गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अभी हम लोग फूलगोभी का सब्जी बना रहे हैं और इधर के बाद में आज रोटी तो बना लिए अंदर वाला चूल्हा में और चावल भी बन रहा है अंदर वाला चूल्हा में और उसके बाद में ये सब्जी बनने के बाद में घुघनी बनाएंगे और अभी हम नदी जाते हैं तब तक ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। ये आलू मटर उबल के तैयार हो गया दोस्तों और वो लोग दातून करने गया है और मैं अभी नदी से आ गया हूँ। इसको अभी हम उतार देते हैं। ये खूब बढ़िया से उबल गया आलू और मटर। इसको धो करके साफ करते हैं, इसका छिलका हटाते हैं। ये थोड़ा सा चाय निकाल लिए हैं, घुघनी तो बाद में बनेगा इसलिए चाय में डुबा करके खा लेते हैं दो ठो रोटी। ये मटर और आलू को भी काट दिए हैं। पहले मसाला को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में आलू और मटर को इसमें डाल देंगे और ये नमक भी डाल देते हैं। ये आलू मटर का घुघनी बना रहे हैं दोस्तों। अभी थोड़ा ठंडा कम हो गया है जिसके कारण मैं भी कपड़ा उतार दिया हूँ और अभी ये मटर घुघनी तैयार हो जाएगा, उसके बाद मूढ़ी के साथ अभी हम लोग खाएंगे। धूप भी अभी बहुत ज़्यादा तेज हो गया है और अभी सुबह के 8:45 बज रहा है। ये मसाला पक के तैयार हो गया है, अभी हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं और ये मटर और आलू को भी डाल देते हैं। थोड़ा देर इसको उबाल देते हैं। इसमें अभी हम लोग ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा करके 1-2 मिनट तक उबाल लेते हैं। यह हम लोग का घुघनी तैयार हो चुका है और ये अभी हम लोग नाश्ता के लिए मोड़ी निकाल लिए हैं और रोटी तो खा लिए थे। आज डबल नाश्ता हो रहा है हम लोग का।
चम्मच लेकर के आ जाओ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मूढ़ी और घुगनी, गर्मा गर्म मूढ़ी घुगनी का नाश्ता। बाकी घुगनी जो बचा हुआ है वो भात के साथ में खाएंगे हम लोग। आज सब्जी नहीं बनाएंगे, उसी से काम चला लेंगे। मूढ़ी घुगनी का नाश्ता हो गया है और दोपहर का खाना तो दोपहर में ही खाएंगे। अभी हम अपना काम का तैयारी करेंगे और दोबारा से अभी हम नदी जाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद में अपना काम के लिए निकल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।